Welcome to students. So now we are start a new exercise 11.2, and question number first is start. Question number first is represent these numbers on the number line. आपने number line को पहले भी पढ़ा होगा, तो हमें इसको represent करना है number line में, ठीक है? तो ये रही हमारी number line. Question number हमें दिया है कितना? Question दिया है 7/4. इसको अगर हम mixed fraction में चेंज करेंगे तो बनेगा क्या? 1/3/4, ये बनेगा, है ना, 1/3/4. तो इसको हमें चेंज करना है. अगर आप इसको ऐसा भी करें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. उसकी एक मेथड और ये रहेगी कि आप यहाँ पे देखो, ये नंबर लाइन हमने पढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे. तो यहाँ पे जो नंबर रहता है सेंटर में जीरो होता है. इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ये आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. तो इसमें सिर्फ जीरो यहाँ ये दिया है, यानी इस साइड जो नंबर होंगे ये नेगेटिव होंगे और ये सारे नंबर जो हैं वो कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे. ओके, तो क्या दिया है? 7/4 दिया था. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबका जो डिनोमिनेटर है वो 4 ही रहेगा, ऊपर का नंबर चेंज होता जाएगा. 7/4 दिया था, तो यहाँ जो नंबर है वो हम 1 से लेके 10 तक लिख सकते हैं और आगे तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें नंबर दिया होगा, ठीक है. तो पॉजिटिव है हमारा नंबर, पहले तो हमें ये देख लेना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, यानी प्लस है. जब कोई साइन नहीं रहता तो पॉजिटिव होता है. ओके, तो बस यहाँ से हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 10 तक नंबर लिखेंगे. 7/4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो बस उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव में, ये एक सर्कल बना देंगे, ठीक है. तो ऐसे करना है ये. अब यहाँ पे एक आप देख लो, सेकंड में क्या लिखा है? -5/6. अब ये जो नंबर है वो हमारा कैसा है? नेगेटिव है, यानी अब हमें नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ेगी. तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हमारा जीरो रहेगा, इस साइड पॉजिटिव नंबर रहेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव नंबर रहेंगे, ठीक है. तो इसमें दोनों नंबर नहीं लिखे हैं, लेकिन हमें नेगेटिव ही लिखना है, ठीक है. तो ये जीरो यहाँ रहेगा, इस साइड आपको पता है पॉजिटिव नंबर है और इस साइड जो है वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे इस साइड, ठीक है. तो बस हमें क्या दिया था? -5/6. डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमेरेटर में हम चेंज करते जाएंगे ऊपर. तो ये -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, देन यहाँ पे -9 और -10 तक भी हम नंबर ले सकते हैं. तो बस रिप्रेजेंट कर देंगे. कहाँ दिखाई दे रहा है आपको -5/6? ये तो यहाँ पे हम एक ये सर्कल लिख देंगे, माइनस में लिखा है ये, एम फॉर होता है माइनस, ठीक है. चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, 9/11 ऑन द नंबर लाइन. तो बस इसको भी हमें ऐसे ही करना. ये लिखा, तीनों नंबर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जीरो लिखा यहाँ पे. उसके बाद 1 से लेके हम 10 तक ऊपर नंबर लिख लेंगे. डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, 11 ही, ऊपर के चेंज हो जाएंगे. तो बस जहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन में नंबर आ रहा वहाँ हम सर्कल कर देंगे. तो ये ड्रॉ हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं. क्या लिखा? राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि 2 से छोटे नंबर हमें बताने हैं और 5 रेशनल नंबर्स हमें देने हैं. तो क्या होगा? 2 से छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम 1/3, 1/4, 1/2, -1/2, -1/4 एंड सो ऑन, यानी उसके आगे भी. इसके आगे जाएंगे हम तो क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा, यानी उससे बड़ा हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ से.